हेलो दोस्तों, नमस्कार। परीक्षा चिंतन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग कंप्यूटर के पार्ट टू का वीडियो देख रहे हैं। इसमें जो है लगभग जो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और बार बार पूछे जा रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को जो है इसमें बताया गया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें पहला जो क्वेश्चन है कि डिजिटल कंप्यूटर का कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है केवल तर्क पर, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ पर, तीसरा ऑप्शन है गणना एवं तर्क पर, और चौथा ऑप्शन है मापन पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा कि गणना एवं तर्क पर जो है डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति जो है इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। इसमें पहला ऑप्शन है डाटा का संग्रह करना, दूसरा ऑप्शन है कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, तीसरा ऑप्शन है गणना कार्य करना, चौथा ऑप्शन है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। यह क्वेश्चन जो है UBPCS 2011 में पूछा गया है। इसका ऑप्शन है इन्फोसिस, दूसरा ऑप्शन है TCS, और तीसरा ऑप्शन है विप्रो, चौथा ऑप्शन है HCL टेक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा TCS जो है भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि क्रे क्या है। क्रे क्या है, एक पहला ऑप्शन इसमें मिनी कंप्यूटर है, कि माइक्रो कंप्यूटर है, कि मेन फ्रेम कंप्यूटर है, कि सुपर कंप्यूटर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, सुपर कंप्यूटर है क्रे। तो सुपर कंप्यूटर है क्रे। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि माइक्रोसॉफ्ट क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय कहाँ है, माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय कहाँ है। इसमें पहला ऑप्शन है न्यूयॉर्क, दूसरा ऑप्शन है लंदन, तीसरा ऑप्शन है सिएटल, चौथा ऑप्शन है पेरिस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय कहाँ पे है, तो हम माइक्रोसॉफ्ट कार्यालय है सिएटल में जो है माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि LCD का पूरा नाम क्या है। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है लीड क्रिस्टल डिवाइस, दूसरा ऑप्शन दिया गया है लाइट सेंट्रल डिस्प्ले, तीसरा ऑप्शन है लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले, और चौथा ऑप्शन है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। यह जो है IB 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि जब कोई कंप्यूटर क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन है रैम, दूसरा ऑप्शन है रोम, और तीसरा ऑप्शन है हार्ड डिस्क, चौथा ऑप्शन है फ्लॉपी डिस्क। तो यह SSC 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा रैम, RAM अर्थात रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका जो है आंसर हो जाएगा, यह SSC 2013 में पूछा गया है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि कंप्यूटर की अस्थाई स्मृति को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है रैम, दूसरा ऑप्शन है रोम, और तीसरा ऑप्शन है CPU, चौथा ऑप्शन है CD-ROM। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा रोम जो है इसकी अस्थाई स्मृति, परमानेंट मेमोरी शायद इसको बोलते हैं। इसके बाद यह जो है UBPCS 2013 में पूछा गया है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि निम्न में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है। पहला ऑप्शन है इंकजेट मुद्रक, दूसरा ऑप्शन है प्लाटर, तीसरा ऑप्शन है प्रकाशित लक्षण अभिजाता, चौथा ऑप्शन है स्पीकर। तो इसमें जो यह जो है SSC 2011 और 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा प्रकाशित लक्षण अभिजाता जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि कंप्यूटर वायरस है ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके। दूसरा है
ऐसा वायरस जो मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित करे, तीसरा ऑप्शन है उपर्युक्त दोनों, और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। यह क्वेश्चन जो है एमपीपीएससी 2012 में पूछा गया है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह पहला हो जाएगा कि ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियाँ बना सके उसको कंप्यूटर वायरस कहा जाता है। फिर हम लोग आगे चलते हैं कि 10 लाख बाइट्स लगभग होती हैं। पहला ऑप्शन है गीगाबाइट, दूसरा ऑप्शन है किलोबाइट्स, तीसरा ऑप्शन है मेगाबाइट्स, चौथा ऑप्शन है टेराबाइट्स। यह एमपीपीएससी 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मेगाबाइट्स। 10 लाख बाइट जो है मेगाबाइट्स के बराबर होती है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। पहला ऑप्शन है डॉट नेट फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है, दूसरा ऑप्शन है जावासन माइक्रो सिस्टम के द्वारा विकसित ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है कूट में कि केवल पहला सही है, दूसरा ऑप्शन है केवल दूसरा सही है, तीसरा ऑप्शन है पहला और दूसरा दोनों सही है, और जो चौथा ऑप्शन है कि कोई सही नहीं है। यह एमपीपीएससी 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही है, अर्थात कि डॉट नेट और जावासन माइक्रो सिस्टम द्वारा विकसित ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं कि पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी। तो इसमें ऑप्शन दिया गया कोबोल, इसके बाद दूसरा बेसिक, तीसरा फॉर्ट्रन, चौथा पास्कल। यह एसएससी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा फॉर्ट्रन जो है पहली कंप्यूटर भाषा के रूप में विकसित किया गया। फिर आगे चलते हैं कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनी होती है किससे बनी होती है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है क्रोमियम, दूसरा ऑप्शन है आयरन ऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है सिलिका, चौथा ऑप्शन है सिलिकॉन। यह यूपीपीसीएस 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सिलिकॉन की बनी होती है आईसी चिप, इंटीग्रेटेड चिप जो है वह सिलिकॉन की बनी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सीआरटी का हिस्सा नहीं है, पहला ऑप्शन है फास्फर प्रपट, दूसरा ऑप्शन है छायाच्छाद, तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन गन, चौथा ऑप्शन है गैस प्लाज्मा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी जो है गैस प्लाज्मा जो है सीआरटी का हिस्सा नहीं है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार का प्रयुक्त होता है। इसमें पहला ऑप्शन है डाई लेजर, दूसरा ऑप्शन है गैस लेजर, तीसरा ऑप्शन है अर्धचालक लेजर, चौथा ऑप्शन है उत्तेजई लेजर। तो इसमें जो यह जो है आईएएस 2008 और यूपीपीसीएस 2009 में पूछा गया है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी वाला ऑप्शन कि अर्धचालक लेजर जो है लेजर प्रिंटर में एक प्रकार का जो प्रयुक्त होता है लेजर वह है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि पहला कंप्यूटर किसने बनाया था। पहला ऑप्शन है बिल गेट्स, दूसरा ऑप्शन है बिल क्लिंटन, तीसरा ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, चौथा ऑप्शन है मार्कोनी। तो यह जो है यूपीपीसीएस 2007 में पूछा गया है, जो पहला कंप्यूटर बनाया था वह चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका निम्न के प्रयोग से। पहला ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, दूसरा ऑप्शन है समाकलित परिपथ चिप, तीसरा ऑप्शन है नैनो पदार्थ, चौथा ऑप्शन है अति संचालक। तो इसमें यह जो है यूपीपीसीएस 2007 में पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा कि समकालित परिपथ चिप से जो है प्रयोग किया जाता है। फिर हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रयुक्त DBMS किसको कहते हैं। पहला ऑप्शन है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दूसरा ऑप्शन है डाटाबेस माइक्रो सिस्टम, तीसरा ऑप्शन है डाटाबेस मशीन सिस्टम, और चौथा ऑप्शन है डाटाबेस मेंटेनेंस सिस्टम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा DBMS। यह एसएससी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर हम लोग आगे चलते हैं कि
निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? पहला ऑप्शन है चिप, दूसरा ऑप्शन है बाइट, तीसरा ऑप्शन है बग, चौथा ऑप्शन है बिट। यह जो है UPPCSNT 2007 में पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बग, जो है वह कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियों को प्रदर्शित करता है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि एनायक था, एनायक क्या था? पहला मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर है, कि एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, कि एक स्मृति युक्त है, कि यह एक इंजन है। यह SSC 2010 में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी, कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है एनायक। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? पहला ऑप्शन है प्रिंटर, दूसरा ऑप्शन है कीबोर्ड, तीसरा ऑप्शन है माउस, चौथा ऑप्शन है प्रचालन तंत्र। यह जो है उत्तराखंड PCS जो है 2008 में पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा, कि प्रचालन तंत्र जो है वह एक यंत्र सामग्री नहीं है। फिर हम लोग आगे चलते हैं कि MS वर्ड प्रयोग किया जाता है, कहाँ पे MS वर्ड का प्रयोग होता है? इसका जो उत्तर है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस लगभग लगभग सभी बच्चों को पता होगा कि MS वर्ड का प्रयोग कहाँ किया जाता है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि एक पिन ड्राइव है, पिन ड्राइव क्या है? एक स्थिर द्युतीय भंडारण एकक, कि एक चुंबकीय द्युतीय भंडारण एकक है, कि एक हटाए जाने वाली द्युतीय भंडारण एकक है, कि उपर्युक्त में से कोई नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा, कि एक हटाए जाने वाली द्वितीय भंडारक एकक पेन ड्राइव है। यह उत्तराखंड PCS 2008 में पूछा गया है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में CRM का क्या अर्थ है? कस्टमर रिलेटिव्स मीट, की चैनल रूट मार्केट, की कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, चौथा है कस्टमर रिटेंशन कस्टमर रिटेंशन मैनेजर, या SSC 2014 में पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 126 का सी, कस्टम रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो है CRM का फुल फॉर्म होगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि जब कोई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है सुदूर संचार नेटवर्क, दूसरा ऑप्शन है स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, तीसरा ऑप्शन है विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क, चौथा ऑप्शन है मूल्य योजक नेटवर्क। यह SSC 2013 में पूछा गया है। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा, कि स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, लैन इसको कहा जाता है इंग्लिश में। फिर IC चिपों का निर्माण किया जाता है, किससे किया जाता है? फाइबर से, सेमीकंडक्टर से, कि प्लास्टिक से, कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सेमीकंडक्टर से जो है IC चिपों का निर्माण किया जाता है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्त इनपुट डिवाइस क्या है? ट्रैक बॉल, स्कैनर, माउस, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा, माउस जो है सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली इनपुट डिवाइस है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का नेटवर्क नहीं है? तो इसमें जो पहला ऑप्शन दिया गया विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क अर्थात वाइड एरिया नेटवर्क, और दूसरा ऑप्शन है स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, चौथा ऑप्शन है महानगरीय क्षेत्र नेटवर्क अर्थात मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये SSC 2013 में पूछा गया, और तीसरा ऑप्शन है वैकिक नेटवर्क। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 130 का वह सी हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन जो है इसमें राइट हो जाएगा। ये जो है कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है, कंप्यूटर नेटवर्क में लैन, वैन, मैन, ये तीनों आते हैं। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि पद MB प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है मैग्नेटिक बिट्स के लिए, मेगा बिट्स के लिए, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन मेगा बिट्स के लिए, और दूसरा ऑप्शन जो है सॉरी वह है मेगा बाइट्स के लिए, चौथा ऑप्शन है इनमें उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो है इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा MB जो है मेगा बाइट्स के
के लिए प्रयोग किया जाता है, के बी जो है किलोबाइट्स कहा जाता है के बी को। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि मूल निवेश निर्गम प्रणाली बेसिक आउट इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। पहला ऑप्शन हार्ड डिस्क पर, दूसरा ऑप्शन है यादृच्छिक अभिगम स्मृति में, तीसरा ऑप्शन है केवल माउस स्मृति में, चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा यादृच्छिक अभिगम स्मृति में जो है इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है विद्यमान रहती है। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि कंप्यूटरों का जाल क्रमित करना, इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है खतरों के अवसरों में बढ़ोतरी कराता है, कि कंप्यूटर की उपयोगिता बढ़ाता है, कि सूचना अभिगमन की संभावनाओं को बढ़ाता है, कि उपरोक्त सभी, या उत्तराखंड PECS 2008 में पूछा गया, इसमें जो है राइट आंसर डी हो जाएगा, ये जो सभी हैं वह कंप्यूटर के जाल को क्रमित करता है। फिर आगे चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, पहला ऑप्शन है मैक्रोनी, दूसरा ऑप्शन है LNM टूरिंग, तीसरा ऑप्शन है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 134 का, इनमें से कोई नहीं जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जो है निर्माण चार्ल्स वेबेज ने किया था, MPPCS 2006 में यह पूछा गया है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि कंप्यूटर की भाषा में एक MB में कितने बाइट होता है। पहला ऑप्शन दिया गया है 1 लाख, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 2 10 लाख, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 10 लाख 24 हज़ार, चौथा ऑप्शन दिया गया है 10 लाख 48 हज़ार 576। तो जो 135 का राइट आंसर हो जाएगा, 135 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा, कि 1 मेगाबाइट में कितने बाइट्स होते हैं, 10 लाख 48 हज़ार 576 मेगाबाइट्स होता है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास होता है, पहला है 16 बिट तक, दूसरा है 32 बिट तक, तीसरा है 64 बिट तक, पांचवा है चौथा है 128 बिट तक। यह क्वेश्चन RASRTS 2008 में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा, 64 बिट तक जो है सुपर कंप्यूटर के लिए लंबाई का रेंज होता है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि परम क्या है। तो यह इसमें ऑप्शन दिया गया सुपर कंप्यूटर है, कि दूसरा ऑप्शन है लैपटॉप है, कि तीसरा ऑप्शन है PDA है, चौथा ऑप्शन है PC है, और पांचवा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा परम क्या है, तो परम एक सुपर कंप्यूटर है। पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा सुपर कंप्यूटर है। फिर हम लोग आगे चलते हैं कि भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ, पहला ऑप्शन है चेन्नई, दूसरा ऑप्शन है बेंगलोर, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली, और चौथा ऑप्शन है पुणे में। तो 138 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी ऑप्शन, पुणे में जो है परम कंप्यूटर का निर्माण हुआ था। यह RASRTS 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर आगे चलते हैं कि कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करता है, पहला ऑप्शन है आंकड़ों को, दूसरा ऑप्शन है उपकरणों को, तीसरा ऑप्शन है प्रोग्रामों को, चौथा ऑप्शन है हार्डवेयर को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा प्रोग्रामों को। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है, पहला ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, दूसरा ऑप्शन है हार्डवेयर, तीसरा ऑप्शन है दोनों का, चौथा ऑप्शन है किसी का नहीं। यह भी क्वेश्चन जो है RRB जूनियर ऑडिटर में पूछा गया है। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 140 का वह हो जाएगा पहला सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर में विंडो क्या एक प्रकार है सॉफ्टवेयर का है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है, इसमें पहला ऑप्शन है स्कैनर, दूसरा ऑप्शन है मॉडेम, तीसरा ऑप्शन है CD-ROM, चौथा ऑप्शन है प्रिंटर। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मॉडेम जो है कंप्यूटर को टेलीफोन से जोड़ता है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है, पहला ऑप्शन है डाटा, और दूसरा ऑप्शन है इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा ऑप्शन है हार्डवेयर, और चौथा ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं।
तो यह क्वेश्चन जो है एसबीआई क्लर्क 2009 में पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हार्डवेयर जो है भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है, सॉफ्टवेयर को स्पर्श नहीं किया जा सकता है। इसके बाद डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? पहला ऑप्शन है टेप, दूसरा ऑप्शन है डिस्क, तीसरा ऑप्शन है प्रिंटर, चौथा ऑप्शन है बस। यह मेट्रो रेल 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 143 का बस सी हो जाएगा। डॉट मैट्रिक्स क्या है? डॉट मैट्रिक्स एक प्रिंटर है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि सीडी रोम है एक। पहला ऑप्शन सेमी कंडक्टर मेमोरी, दूसरा ऑप्शन है मैग्नेटिक मेमोरी, तीसरा ऑप्शन है मेमोरी रजिस्टर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 144 का वह बी हो जाएगा। मैग्नेटिक मेमोरी जो है सीडी रोम है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी इसको कहते हैं। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि एक सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को डॉट डॉट कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ऑप्शन दिया गया है वर्क स्टेशन, दूसरा ऑप्शन है सीपीयू, तीसरा ऑप्शन है मैग्नेटिक डिस्क, चौथा ऑप्शन है इंटीग्रेटेड सर्किट, पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यह एसबीआई 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 145 का वह डी हो जाएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि डॉट 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 कंप्यूटर को बताती है कि इसके उपकरणों का प्रयोग कैसे करना है। पहला ऑप्शन है यूटिलिटी, दूसरा ऑप्शन है नेटवर्क, तीसरा ऑप्शन है एप्लीकेशन प्रोग्राम, और चौथा ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ये एसबीआई क्लर्क 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उप कंप्यूटर को बताती है कि उसके उपकरणों को कैसे प्रयोग में लाना है या प्रयोग करना है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि सी कामा बेसिक कामा कोबोल और जावा डॉट 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 भाषाओं का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है लो लेवल, दूसरा ऑप्शन है कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन है सिस्टम प्रोग्रामिंग, चौथा ऑप्शन है हाई लेवल, और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी कि सी कामा बेसिक और कोबोल और जावा जो है हाई लेवल लैंग्वेज है। फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि लगभग 1000 मेगाबाइट एक डॉट 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 होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है टेराबाइट, दूसरा ऑप्शन है किलोबाइट, तीसरा ऑप्शन है गीगाबाइट, और चौथा ऑप्शन है पेंटाबाइट, और पांचवा ऑप्शन है मेटाबाइट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा गीगाबाइट। 1024 MB को जो है 1 GB कहा जाता है, अर्थात गीगाबाइट कहा जाता है। इसी के साथ हम लोग यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, और इसी तरीके से वीडियो बनाने के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।